हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं शेयर कर रही हूँ मिल्क के मोदक की रेसिपी। सबसे पहले एक पैन में हम 2 चम्मच घी को गरम करेंगे। इसमें 1 कटोरी दूध डाल देंगे। इसे हम एक बार मिला लेते हैं। अब हम इसमें मिल्क पाउडर डालेंगे, तकरीबन 1 कप। हमें धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके मिल्क पाउडर डालना है और इसे कंटिन्यूसली चलाते रहना है। अब हम इसमें बचा हुआ मिल्क पाउडर भी डाल देंगे और इसे हमें मिलाते रहना है ताकि इसमें एक भी गुठलियाँ ना बने। गैस को हमने लो फ्लेम पे रखा है। अब ये मिल्क पाउडर मिल्क में अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम गैस को तेज कर सकते हैं। अब हम इसमें 1/2 कप शक्कर डालेंगे। ये मैंने केसर को दूध में सोक करके रखा था, उसे भी डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। हमें 1/2 कप डेसिकेटेड कोकोनट डालना है। थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल देंगे। लगातार चलाते रहना है ताकि ये पैन से ना चिपके। इसे हमें पूरी तरह से ड्राई करना है। ये देखिए, अब मिल्क गाढ़ा होने लगा है। अब ये पूरी तरह से ड्राई हो गया है। ये टेक्सचर मोदक बनाने के लिए बिल्कुल सही है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। ये मैंने मोदक का मोंग लिया है, इसमें हम अच्छी तरह से घी लगा देंगे। परफेक्ट मोदक के शेप बनाने के लिए आप मोदक मोल्ड का ही इस्तेमाल करें। ये बहुत ही आसानी से बाज़ार में मिल जाता है। अब हम इसे फिल कर लेंगे। इसे हमें अच्छी तरह से प्रेस कर करके भरना है। ये देखिए, इस तरह से। हम इसे ओपन कर लेते हैं। ये देखिए कितना सुंदर मोदक बनके तैयार हुआ है। इसी तरह से हम अपने सारे मोदक को तैयार करेंगे।
दूध के मोदक बनकर तैयार हैं।